हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरलैंड। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जो कि कल्ट सेक्रीफाइस और डेमन के ऊपर है, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एक माँ अपने होने वाले बच्चों को बचाने के लिए बुरे लोगों से लड़ती है। लेकिन ये मूवी जितनी ज़्यादा सिंपल दिखती है उतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि मूवी के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि मूवी की शुरुआत में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में कुछ चलकर देखते हैं कि मूवी में क्या हुआ। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक कंट्रीसाइड विलेज से, जहाँ का माहौल बहुत ही अजीब था, पूरा काला अंधेरा, जैसे कि वो विलेज किसी के साए में हो। ये समय था 1979 का, जब एक शॉप ओनर जिम अपनी शॉप में कॉटन नाम के एक लड़की को कुछ हंटिंग की स्टोरी सुना रहा था। तभी वहाँ पर एना नाम की एक लड़की आती है कुछ कैंडीज खरीदने के लिए, और जाने से पहले वो लड़की जिम से कहती है कि रूथ मेरी दोस्त थी और जिम ने जो उसके साथ में किया है उसके लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। जिम के पूछने पर एना उसे कहती है कि उसे ये बात एंजल्स ने बताई है। फिर जिम और कॉटन एना के हाथ पर एक मार्कर को नोटिस करते हैं, जिसे देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। एना वहाँ से भागती है और जिम कॉटन को उसका पीछा करके उसे पकड़कर लाने को कहता है। कॉटन जब तक शॉप के बाहर जाता है तब तक एना वहाँ से जा चुकी थी, और अब तक हम समझ चुके थे कि एना के हाथ पर जो मार्क था उसके लिए कॉटन और जिम उसे पकड़ना चाह रहे थे। सीन कट होता है और कहानी अब कुछ सालों के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर हम सारा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी और कुछ दिनों में उसकी डिलीवरी होने वाली थी। सारा ने अपने हस्बैंड मैट के साथ में मिलकर उसी विलेज में एक घर लिया है, जिस विलेज को हमने कुछ देर पहले इस मूवी में देखा था। तो घर का कुछ सामान लेकर सारा घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी ने सड़क पर एक कील छोड़ दी थी और उसी से सारा की कार का टायर पंचर हुआ था। सारा प्रेग्नेंट थी तो इसीलिए वो टायर को नहीं बदल पा रही थी। लेकिन लकीली वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आकर अपनी कार को रोकता है, जो कि टायर बदलने में सारा की हेल्प करता है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम स्टोन था। पहले तो स्टोन सारा से अच्छे से बातें कर रहा था, लेकिन जब वो सारा के नेक पर उसी मार्क को नोटिस करता है तो उसका बिहेवियर पूरी तरीके से बदल जाता है। सारा के नेक पर वो मार्क बिल्कुल एना के हाथ पर बने मार्क की तरह ही था। वो सारा उसे बताती है कि ये उसका बर्थ मार्क है। फिर जाने से पहले स्टोन सारा को अपने काम से काम रखने को कहता है, क्योंकि विलेज में कुछ चीज़ें हैं जो कि सालों से चलती आ रही है, और स्टोन सारा को उन सबसे दूर रहने को कहता है। सारा स्टोन की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वहाँ से घर की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद हम सारा के हस्बैंड मैट को देखते हैं, जो कि सारा के साथ में मिलकर घर के सामान को इंस्टॉल कर रहा था। इस नए विलेज में और अपने नए घर में दोनों अपनी लाइफ को शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, और दोनों ही अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत ही खुश थे। फिर अगले दिन सारा के नए घर में उसकी दोस्त ब्री अपने बॉयफ्रेंड डेव के साथ में आती है, और अपने नए घर की वेलकमिंग पार्टी के लिए ही सारा ने उन दोनों को यहाँ पर बुलाया था। सारा और मैट उन दोनों को अपना नया घर दिखाने लगते हैं, और वहाँ पर एक रूम था जहाँ पर सारा ट्रेडिशनल तरीके से अपनी डिलीवरी करने वाली थी, और इसके लिए सारा ने एक डॉक्टर को भी बोल रखा था जो कि उसके डिलीवरी करने में हेल्प करेगा। डॉक्टर ने उनको पहले बता दिया था कि सारा एक बेबी गर्ल को पैदा करने वाली है। अब मैट और डेव दोनों ड्रिंक करते हैं और सारा ब्री के साथ में कुछ बातें करती है, और दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि 8 साल की एज से ब्री एक शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, तो इसलिए वो कुछ थोरेसिन नाम की मेडिसिन लेती है, जिसे लेने के बाद में उसे काफ़ी अच्छा फील होता है, और उन मेडिसिन के बिना उसे कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जो कि रियलिटी में होती भी नहीं है। फिर कुछ देर के बाद में वहाँ पर सारा का भाई एरिक अपनी नई गर्लफ्रेंड स्काई के साथ सारा के नए घर में आता है। यहाँ पर हम एरिक की बात करें तो वो कुछ काम नहीं करता है, बस सारा से पैसे लेकर दुनिया में ट्रैवल करता है। एरिक ज़्यादातर हॉन्टेड प्लेसेस में ही घूमता है। बहुत सालों से सारा एरिक को कांटेक्ट कर रही थी, लेकिन उसने कभी भी फ़ोन नहीं उठाया और ना ही कभी वो सारा से मिलने के लिए आया। लेकिन आज अचानक एरिक को अपने घर में देखकर सारा बहुत ही शॉक्ड थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके बुलाने पर वो वहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बारे में सभी छोटी सी लंच पार्टी करने लगते हैं, और एरिक और स्काई सारा को अपने ट्रिप्स के बारे में बताने लगते हैं। फिर हम एरिक के हाथ पर एक अजीब सा सिंबल वाली ब्रेसलेट को देख पाते हैं, जिसके बारे में एरिक सारा को कुछ नहीं बताता है। सारा एरिक को उसकी लाइफ में सीरियस होने को कहती है, और सारा ये चाहती थी कि नॉर्मल लोगों की तरह एरिक जॉब करे और अपना एक घर खरीदे, लेकिन एरिक अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहता था। उसको अपना घर और जॉब करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन एरिक के पास में अब पैसे नहीं थे, तो इसलिए वो सारा से कुछ पैसे मांगता है। सारा एरिक से बहुत प्यार करती थी तो इसलिए वो उसे थोड़े पैसे दे देती है, लेकिन एरिक को पैसे देते हुए मैट सारा को देख लेता है, जिससे कि वो सारा से नाराज़ होता है। फिर सभी लंच करने के लिए बैठते हैं और स्काई नहाने के लिए चली जाती है। कुछ देर के लिए स्काई बाथटब में रिलैक्स करती है, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगता है
कि जैसे कि कोई पर्सन उसके सामने खड़ा है। वो डर कर चिल्लाती है और तब मैट बाथरूम तक आता है ये जानने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। वो उस समय टॉवल में थी तो इसलिए मैट को उसके साथ में बात करता हुआ देखकर सारा उससे नाराज़ हो जाती है। मैट सारा को समझाता है कि इसकी उनकी गेस्ट है तो वो बस उससे ये पूछ रहा था कि वो यहाँ पर कंफर्टेबल है या नहीं। सारा भी मैट की बात को समझ जाती है और उसके साथ बैठकर बातें करने लगती है। सारा की बातों से हमें पता चलता है कि सारा और एरिक का चाइल्डहुड इसी विलेज में बीता है और यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे सारा और एरिक ने अपने पेरेंट को बचपन में खो दिया था। मैट सारा से प्रॉमिस करता है कि उनकी बेटी की किस्मत में एक बहुत ही लंबी लाइफ होगी और वो अपने आखिरी दम तक अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ स्काई एरिक को उसी पर्सन के बारे में बताती है जिसने उसे बाथरूम देखा था, लेकिन ये रियलिटी थी या फिर कुछ और ये स्काई समझ नहीं पाती है। एरिक स्काई की बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो इन बातों को मजाक में लेता है। फिर यहाँ पर सारा कुछ सामान लेने के लिए स्टोर रूम में जाती है और वहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है जो कि एना की डायरी थी। उस डायरी में लिखा था कि कल रात को फिर से एंजल्स आई जिन्होंने उसके साथ में बातें की, लेकिन इस बार वो उन एंजल से नहीं डरी। फिर अचानक सारा को एक विजन दिखाई देता है जहाँ पर एना रोड पर अकेली चल रही थी और तभी वहाँ पर कॉटन अपनी कार लेकर आता है जो कि एना को किडनैप कर लेता है। सारा को उस विजन का कुछ मतलब समझ नहीं आता है और वो उसको जल्दी भूल जाती है। फिर कुछ देर के बाद बाहर सभी लोग गेम खेल रहे थे और गेम खेलते खेलते डेव को सारा के घर के पास में जो फॉरेस्ट था वहाँ पर एक ग्रेव दिखाई देती है। डेव के बुलाने पर सभी उस ग्रेव को देखने जाते हैं जो किसी और की नहीं बल्कि एना हैरिस की ग्रेव थी। वो सभी इस बात से दुखी थे कि इतनी छोटी सी बच्ची आखिर कैसे मर गई, लेकिन एरिक यहाँ पर भी अपना मजाक चालू रखता है और ड्रिंक के लिए वो सभी को अपने साथ में वापस घर की तरफ ले जाता है। फिर उसके बाद ड्रिंक करते करते एरिक अपने पास्ट के हॉन्टिंग ट्रिप्स के बारे में उन सभी को बताता है। वो सबको एक डिवाइस भी दिखाता है जिससे कि पता चलता है कि उनके पास में कोई स्पिरिट है या नहीं, लेकिन बाकी सभी लोग एरिक की बातों को मजाक में ले रहे थे। लेकिन एरिक के मुताबिक उसने स्पिरिट से आवाज़ सुनी है और उसने उन स्पिरिट से कई बार बातें भी की हैं। अब बातों ही बातों में एरिक अपने और सारे के चाइल्डहुड के कुछ इंसिडेंट भी बताता है। वो बताता है कि एक रात को कोई स्पिरिट सारा को अपने साथ में ले जाने वाली थी, लेकिन अचानक कुछ बटरफ्लाई उनके घर में घुसती है और उन्हें उस स्पिरिट से बचा लेती है। और उस रात को क्या हुआ था ये आज तक एरिक को नहीं समझ आया है। सारा इन बातों को किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन एरिक ने ये सब बातें ओपनली बता दी थी जिससे कि सारा नाराज हो जाती है और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। मैट तो इस बात से शॉक्ड था कि सारा के साथ में ये भी हुआ था और सारा ने उसे कभी बताया भी नहीं। अब घर के अंदर सारा अपने चाइल्डहुड टाइम को याद करती है। बचपन में सारा के पास में हर समय बटरफ्लाइज घुमा करती थी और इन बातों को याद करके वो इमोशनल और डरी हुई थी। वो ये नहीं चाहती थी कि उनकी होने वाली बेटी को इन सब से गुजरना पड़े। अब यहाँ पर बाहर डेव अपनी एक स्टोरी सभी को बताने लगता है कि उस विलेज में 70s के टाइम पर एक सीरियल किलर रहा करता था जिसका नाम केन था और केन अपने विक्टिम को मारकर खा जाया करता था, जिसके बाद में वो अपने विक्टिम को डेविल के लिए सेक्रीफाइस भी करता था। उस सीरियल किलर को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन जेल में एक दिन आग लग गई जहाँ से 100 कैदियों के साथ केन भी जलकर मारा गया। वो जेल उसी विलेज के फॉरेस्ट के अंदर अभी भी था और अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह थी कि 70s के टाइम पर एना की भी मौत हुई थी। मतलब ये था कि एना और केन की स्टोरी का किसी तरीके से कनेक्शन जरूर है जो कि हम आगे देखने वाले हैं। अब डेव से उस आग लगने वाली बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड थे और वे लोग आज ही फॉरेस्ट में जाकर उस प्रिजन को देखने का प्लान बनाते हैं क्योंकि आज फुल मून भी था और उनके लिए हॉन्टेड फीलिंग आने वाली थी। मैट सारा को छोड़कर वहाँ नहीं जाना चाहता था और ब्री को भी हॉन्टेड प्लेसेस पर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाकी लोगों की जिद के कारण उन्हें भी उनके साथ में जाना पड़ता है। फिर उसके बाद में मैट सारा के पास में जाता है और उससे वो चाइल्डहुड की बातें पूछता है जो कि एरिक ने उसे बताई थी और मैट यहाँ पर एरिक से गुस्सा भी था। मैट सारा को समझाता है कि सारा ने अपनी ज़िंदगी का बहुत टाइम एरिक के पीछे बर्बाद कर दिया है और वो एरिक की एक अच्छी बहन बनते बनते अब उसकी माँ बन चुकी है, तो इसीलिए एरिक अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है। मैट के मुताबिक एरिक सारा का यूज़ कर रहा था और मैट को भी पसंद नहीं था कि एरिक उनके घर में रहे। वो तो चाहता था कि एरिक जल्दी से जल्दी उनके घर से चला जाए। सारा भी मैट की बातों को समझ जाती है और उसके बाद में सभी उस लोकेशन की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो हॉन्टेड प्रिजन था। सारा उनको फॉरेस्ट के पास रोड पर उतार देती है और वहाँ से उनको आगे चलकर जाना था और उसके एक घंटे के बाद में सारा वहीं पर उनको वापस लेने के लिए आने वाली थी। जाने से पहले एरिक सारा को कहता है कि वे दोनों नॉर्मल ह्यूमन से अलग हैं क्योंकि उन्हें गिफ्ट मिला है। जो चीज़ें नॉर्मल लोग नहीं देख पाते हैं वो चीज़ें वे दोनों देख पाते हैं, तो इसलिए उनको उनके पावर का
यूज़ करना चाहिए। सारा एरिक की बातों को इग्नोर कर देती है और वो एरिक से मेट का ध्यान रखने को कहती है और उसे सही सलामत घर वापस लाने को भी कहती है। एरिक भी सारा से प्रॉमिस करता है कि वो उसके हस्बैंड को प्रोटेक्ट करेगा। फिर उसके बाद में सारा वापस घर की तरफ चली जाती है और बाकी सब अपना मस्ती मजाक करते हुए उस हॉन्टेड प्रिजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर एक जगह पर साइनबोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था रिस्ट्रिक्टेड एरिया, लेकिन फिर भी सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम उसी घोस्टली पर्सन को फिर से उनके पीछे जाता हुआ देखते हैं, लेकिन उन लोगों को वो घोस्ट नजर नहीं आता है। कुछ देर के बाद में सभी उस प्रिजन तक पहुँच जाते हैं। डेव, ब्री, एरिक, स्की और मैट सभी लोग अलग अलग होकर उस हॉन्टेड प्रिजन को एक्सप्लोर करने लगते हैं। दूसरी तरफ सारा रोड के पास में एक ओल्ड लेडी को देखती है जो कि उसे देख रही थी, लेकिन सारा उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। सारा के जाते ही वो ओल्ड लेडी इतनी अजीब तरीके से चिल्लाती है कि उस पूरे विलेज में अचानक से शाम हो जाती है। अभी लेडी कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो किसी को सारा के बारे में सिग्नल दे रही हो। यहाँ पर सारा के कार के रेडियो से कोई डेमोनिक वॉइस निकल रही थी और अचानक सारा को अपने पास एना दिखाई देती है जो कि उसे हेल्प मांगती है। सारा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है जिससे कि उसका ध्यान रोड से हट जाता है और सारा का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन लकीली सारा और उसका बेबी दोनों सेफ थे। सारा को बस छोटी मोटी चोटें आई थी। सारा का फ़ोन भी अब टूट चुका था और वो मेट को कॉल भी नहीं कर सकती थी, तो इसलिए वो वहाँ से गुजर रही किसी कार से हेल्प लेने का सोचती है। यहाँ पर प्रिजन में एरिक को बेसमेंट का रास्ता मिलता है और वहीं पर 100 प्रिजनर जलकर मारे गए थे जिसमें केन भी शामिल था। एरिक बेसमेंट में जाना चाहता था लेकिन स्की को वहाँ पर नहीं जाना था, पर एरिक के बहुत बोलने पर स्की उसके साथ में बेसमेंट की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ डेव और ब्री जेल के कैफेटेरिया में जाते हैं और अचानक वहाँ पर ब्री को उसी पर्सन का घोस्ट दिखाई देता है। ब्री को लगता है कि शिज़ोफ्रेनिया की वजह से उसे सब कुछ नजर आ रहा है, तो इसीलिए डेव के पूछने पर भी ब्री उसे कुछ नहीं बताती है, वो बस अपनी मेडिसिन ले लेती है। ब्री वहाँ से वापस अपने घर पर जाना चाहती थी, तो इसलिए डेव ब्री को बाहर की तरफ ले जाता है। अब यहाँ पर एरिक और इसकी जेल के सेल को एक्सप्लोर कर रहे थे। एरिक तो बार बार केन के घोस्ट को भी बुला रहा था और कुछ ही देर में एरिक को केन का सेल मिल जाता है। केन के सेल में एरिक को एक डायरी मिलती है जहाँ पर कुछ डेमोनिक सिंबल बने हुए थे और वहाँ पर कुछ स्पेल भी लिखे हुए थे। फिर एरिक वहाँ पर रखे हुए कैंडल्स को जलाता है और उस डायरी में रखे स्पेल को पढ़ता है। स्पेल को पढ़ते ही सभी को बहुत ही अजीब फील होता है और ऐसा लग रहा था कि कोई डेमन स्पेल की वजह से जाग चुका है। इसके ने कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था और वो यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन एरिक फिर से इसकी को अपनी बातों में फंसाने लगता है और दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर हम एरिक के उसी डिवाइस को अपने आप ऑन होता हुआ देखते हैं, मतलब कि वहाँ पर कोई स्पिरिट मौजूद थी। अब एरिक के साथ में इंटीमेट होते टाइम इसकी को ऐसा लगता है कि उसके साथ में एरिक नहीं बल्कि वही घोस्ट वाला पर्सन इंटीमेट हो रहा है, और इससे इसकी डर कर पास में पड़े एक चाकू से एरिक को घोस्ट समझ कर उसके गले में वार करती है। फिर इसकी के चिल्लाने की आवाज़ से वहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इतनी गहरी चोट के बाद भी एरिक को कुछ नहीं हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद में सब भी वहाँ से वापस अपने घर पर जाना चाहते थे, लेकिन एरिक था कि वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था, जैसे कि वो वहाँ पर किसी खास मकसद से आया हो। तब इसकी एरिक को समझाती है कि यहाँ की स्पिरिट कहीं नहीं जाने वाली है, एरिक कभी भी वहाँ पर आकर उस जगह को एक्सप्लोर कर सकता है। इसकी की इस बात को मानकर एरिक भी बाकी लोगों के साथ में वापस घर जाने लगता है। अब उनके घर जाते जाते ऐसे ही रात हो जाती है। वो कितनी भी कोशिश कर रहे थे लेकिन वो जंगल से बाहर ही नहीं जा पा रहे थे। वे लोग घूम फिर कर बार बार उसी प्रिजन वाले एरिया में आ रहे थे। अब इस बात से सभी लोग डर चुके थे और किसी को कॉन्टेक्ट करने के लिए उनके फ़ोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। तब इसकी बाकी लोगों को बताती है कि उस बुक के स्पेल पढ़ने की वजह से शायद वे लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। मैट उस बुक को देख कर समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है। उस बुक में ऐसा लिखा गया था कि न्यूबॉर्न बेबी की सोल को सेक्रीफाइस किया जाएगा और उसकी जगह डेविल की सोल उस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आ जाएगी। फिर अब मैट को सारा की भी फिक्र हो रही थी और उसे बस जल्दी से वहाँ से निकलना था। ब्री बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी और अब मेडिसिन का भी असर उसके ऊपर नहीं हो रहा था। और इन सब के बाद भी एरिक उनको बोल रहा था कि उनको किसी वजह से वहाँ पर लाया गया है। स्पिरिट उनसे कुछ करवाना चाहती है और अपनी जिद के कारण एरिक अकेले बेसमेंट की तरफ चला जाता है। इधर सारा एक पुलिस कार से लिफ्ट लेती है और उस पुलिसमैन का नाम कॉटन था जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था, और कॉटन का फेस आधा जला हुआ था जिसे देखकर सारा थोड़ा डर गई थी। सारा कॉटन से हॉस्पिटल चलने को कहती है और रास्ते में सारा कॉटन से बोलती है कि उसका हस्बैंड और उसके फ्रेंड उस प्रिजन की तरफ गए हैं, तो फॉरेस्ट की तरफ थोड़ी देर के लिए कार को रोक ले।
तब कॉटन सारा से कहता है कि उस प्रिजन के जलने से बस एक अच्छा काम हुआ था कि उसमें केन भी जलकर मारा गया था। वो तभी सारा नोटिस करती है कि कार के पीछे भी जैक नाम का एक आदमी बैठा हुआ है। जैक उनसे कहता है कि उनके कैप्टन ने केन को पकड़ा था और वो पूरा एविल था। सारा देखते कि कॉटन के हाथ में भी वही सिंबल वाला ब्रेसलेट था जो कि उसने एरिक के हाथ में देखा था। ये देखकर सारा को कुछ ठीक नहीं लगता है और ऊपर से दोनों किसी रास्ते से सारा को ले जा रहे थे, इसलिए वो लेबर पेन का बहाना बनाकर कॉटन से कार रोकने को कहती है और कॉटन की कार रोकते ही सारा फॉरेस्ट के अंदर भाग जाती है। इधर प्रिजन में इसकी अकेली जंगल की तरफ रास्ता ढूंढने के लिए चली जाती है और ब्री भी पैनिक होकर मेडिसिन पर मेडिसिन ले जा रही थी। और तब जाकर डेव और मैट को पता चलता है कि ब्री श्रिंजोफेनिक है। तभी उनके पास से इसकी घबरा कर आती है क्योंकि उसने फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा था जो कि इसी तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लोग उनकी हेल्प नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए सब उसी प्रिजन में छुपने का प्लान बनाते हैं। और मैट यहाँ पर उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जाता है। बेसमेंट के अंदर जाने के बाद में इसकी एरिक को ढूंढने निकल जाती है क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। और डेव और ब्री बेसमेंट के दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। इधर एरिक को एक रूम में किसी एनिमल का स्केलेटन मिलता है और वहाँ एक रिचुअल करने वाला रूम भी था। एरिक उस रूम के सभी कैंडल को जलाता है और बुक में लिखे सभी स्पेल को पढ़ने लगता है। इस तरफ सारा भी प्रिजन तक आ चुकी थी और अब वो बाकी लोगों को ढूंढ रही थी। फिर डेव को केन की पुलिस फाइल मिलती है और जब डेव उस फाइल को देख रहा था तब तक ब्री अकेले ही कहीं और जा चुकी थी और डेव उसे बहुत ही ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती है। और यहाँ पर पुलिस फाइल में हम केन की फ़ोटो से जान पाते हैं कि वो घोस्ट और कोई नहीं बल्कि केन का घोस्ट ही था। अब ब्री को ढूंढते हुए डेव उसी रिचुअल वाले रूम तक आता है जहाँ पर उसे केन का घोस्ट दिखाई देता है जो कि दूर से डेव का गला चीरकर उसे जान से मार डालता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तब तक वहाँ पर सारा भी आ चुकी थी लेकिन वो डेव को बचा नहीं पाती है। सारा केन की उसी पुलिस को अपने साथ में लेकर वहाँ से आगे चली जाती है। फिर इधर इसकी को एरिक मिल जाता है। वो उसे बाहर के उन लोगों के बारे में बताती है लेकिन एरिक उसकी बातों को इग्नोर करके अभी भी उस जगह की स्पिरिट की बातों में लगा हुआ था। एरिक के मुताबिक वो इन सभी चीज़ों के लिए वहाँ पर आया है और ये कहकर एरिक उस बेसमेंट के और भी रूम को देखने जाता है और मजबूरी में इसकी को भी उसके साथ में रहना पड़ता है। एरिक वहाँ पर स्पिरिट से बात करने की कोशिश कर रहा था और दोनों को एक रूम मिलता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को सेक्रीफाइस करके उनकी स्किन निकाल कर वहाँ पर लटकाई हुई थी। ये सब देख कर इसकी वहाँ से चली जाती है और अब एरिक अगर उसकी बात नहीं मानता है तो उसकी मर्जी है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन भागते टाइम इसकी को एक आदमी पकड़ लेता है। फिर इस तरह ब्री अलग अलग चीज़ों को हेलुसिनेट कर रही थी और घबराहट में उसकी मेडिसिन भी गिर जाती है। जब वो उनको उठाती है तो प्रिजनर्स की स्पिरिट उसके हाथों को टच कर रहे थे। ब्री को इतना भी होश नहीं था कि वो समझ पाए कि वो मेडिसिन के साथ किसी के ब्लड को भी खा रही है। तभी वहाँ पर कोई आदमी आता है जो कि ब्री को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ सारा को एक रूम दिखाई देता है जहाँ पर सेक्रीफाइस किए गए लोगों के स्कल रखे हुए थे और उन्हीं में से एक स्कल को जब सारा टच करती है तो उसे पास्ट के कुछ विजन दिखाई देते हैं। सारा देखते हैं कि कॉटन, जिम, केन, जैक और कुछ लोग एना को किडनैप करने के बाद इस घर में लेकर आए थे और वे लोग आगे का काम करेन नाम के एक ओल्ड लेडी को करने को कहते हैं। यहाँ पर एना एक एंजल थी और एंजल के हाथों में वही मार्क रहता है। उसका प्लान था कि एना को रिचुअल के लिए प्रिपेयर करके डेविल के साथ में एना की शादी करवाई जाए और फिर एना डेविल के बेबी को पैदा करेगी। एना खुद ही एक एंजल है और वो बेबी डेविल और एंजल की पावर से डबल पावरफुल हो जाएगा। केन इन सब के खिलाफ था क्योंकि एना खुद ही एक बच्ची थी तो इसलिए वो एना को वहाँ से भागने को कहता है। लेकिन जल्दी जल्दी में एना फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। केन उस कट के खिलाफ गया था तो इसलिए दुनिया के सामने उसको सीरियल किलर बना दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस वाले भी उस कल्ट के मेंबर थे तो उन लोगों ने मिलकर केन को बाकी प्रिजनर्स के साथ में वहाँ पर जिंदा जला दिया और इसी तरह कॉटन का फेस जला था। ये सब विजन देखने के बाद सारा के मुंह से मिट्टी निकल रही थी क्योंकि एना को उन लोगों ने दफना दिया था। सारा को भी समझ आता है कि वो भी आधी एंजल है और आधी ह्यूमन है ठीक एना की तरह, तो इसलिए उसके बचपन में बटरफ्लाई उसके आसपास रहा करती थी और डेमन जब भी उससे लेने आता था तो बटरफ्लाई उसे बचाती थी क्योंकि एंजल बटरफ्लाई बनकर आया करती थी। सारा अपने सामने एना को देखती है जो कि उसे कह रही थी कि उसकी चॉइस सही होगी और तभी वहाँ पर एरिक आता है जिसे सारा केन की फाइल दिखा देती है। सारा एरिक से मैट के बारे में पूछती है लेकिन एरिक को मैट के बारे में कुछ पता नहीं था। वो दोनों केन की उस फाइल को देखते हैं जहाँ से उनको पता चलता है कि एना की जिस दिन डेथ हुई थी उसी दिन सारा और एरिक पैदा हुए थे।
और उसी तरह एना की पावर उनके पास में आ गई थी। अब यहाँ पर एरिक के उस ब्रेसलेट से हम जान पाते हैं कि एरिक किसी न किसी तरह से कल्ट से जुड़ा हुआ है और कल्ट वाले एरिक के जरिए सारा को वहाँ पर लाना चाहते थे। लेकिन एरिक को कल्ट की रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो तो अपने हॉन्टेड एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पर आया हुआ था। लेकिन अब वो अपनी बहन सारा को वहाँ से निकालने का ठान लेता है। तभी वहाँ पर वही कल्ट के लोग आते हैं जो कि पुलिस में थे। उनको देखकर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एरिक को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब भागते हुए सारा केन के सेल तक आ जाती है, जहाँ पर उसे केन का भूत दिखाई देता है जो कि उसे बताता है कि एना को बचा नहीं पाया, लेकिन सारा को जिंदा बचना होगा। अब वहाँ पर कल्ट के लोग आ जाते हैं जो कि सारा का पीछा करने लगते हैं, और भागते भागते सारा को एक रूम में इसकी और बी का कटा हुआ सर दिखाई देता है, जिनको कल्ट के लोगों ने रिचुअल के लिए काट दिया था। कल्ट के लोग सारा को भी कुछ ही टाइम में पकड़ लेते हैं और अपने रिचुअल को शुरू करते हैं। वो सारा का सेक्रीफाइस करके उसके बच्चे के सोल को डेविल के सामने बदलने वाले थे, और तब डेविल सारा के बेबी के जरिए इस दुनिया में आता। लेकिन वे लोग इस रिचुअल को कंप्लीट कर पाते उससे पहले ही वहाँ पर मैट आता है, जो कि एक तलवार से जिम का हाथ काट देता है और वो बाकी कल्ट मेंबर से लड़ने लगता है। लेकिन कल्ट मेंबर मैट को मार डालते हैं। फिर उसी समय वहाँ पर केन का घोस्ट आता है, जो कि एक एक करके सभी लोगों को मारकर अपना बदला लेता है। सारा भी वहाँ से भागकर मेन रोड तक आ चुकी थी, जहाँ पर उसे एमिली नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उसे अपने घर पर लेकर जाती है। सारा लेबर पेन में थी और एमिली और उसकी फैमिली मेंबर की हेल्प से सारा एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन उसकी बेबी कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। वो तब जाकर सारा को समझ आ जाता है कि वो फिर से उन्हीं कल्ट मेंबर के पास में फंस चुकी है। सारा मेट के साथ में बिताए हुए उसी समय को याद करती है और उसके बाद में वो एमिली से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेबी को जिंदा करे। तब कल्ट मेंबर सारा का गला काटकर उसे सेक्रीफाइस करते हैं और तब सारा का बेबी फिर से मूवमेंट करने लगता है। कल्ट मेंबर ने जो चाहा था वही लास्ट में जाकर हुआ। उन्होंने सारा मतलब कि केंजल का सेक्रीफाइस भी कर दिया और डेविल सारा के बेबी के सोल को रिप्लेस करके उसकी जगह ले चुका था, मतलब कि डेविल अब इस दुनिया में आ चुका था। और इसी के साथ में ये मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, जहाँ पर हमने एरिक और सारा को देखा जिनमें कुछ स्पेशल पावर्स थी। अब ये पावर्स इन्हें एना की वजह से आई थी, क्योंकि एना हाफ एंजल और हाफ ह्यूमन थी। एना को कल्ट के मेंबर सेक्रीफाइस करना चाहते थे ताकि इस दुनिया में डेविल आ जाए, लेकिन एना उनका रिचुअल होने से पहले ही मारी जाती है। एना जिस दिन मरती है उस दिन ही एरिक और सारा पैदा होते हैं, तो इसलिए उनके पास में भी ये पावर थी। एरिक अपनी बहन को बचा ही लेता है, लेकिन मूवी के एंड में हम देखते हैं कि सारा फिर से कल्ट मेंबर के हाथों में आ गई थी, और अपनी बच्ची को बचाने के लिए सारा अपना सेक्रीफाइस देकर डेमन को जिंदा कर देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।